नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पानी पूरी के साथ खाने वाली मटर और पानी की रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मटर है, मैंने इसको 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और मैं इसको अब उबाल लूँगी। इसमें मैं आलू भी डालूंगी। आलू आपको नहीं पसंद है तो आप आलू मत डालिए। अब 2 गिलास पानी डालेंगे, इसको 5 सीटी आने तक इसका वेट करेंगे। इसमें नमक हल्दी डालेंगे। नमक आप हल्का ही डालिए क्योंकि पानी में भी नमक रहेगा। बंद करके रख दूंगी, सीटी आने तक इंतजार करूंगी। पानी के लिए सारा सामान तैयार कर लूँगी। हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, पुदीना है, लहसुन है, जो कि मैं पानी में डालूँगी। धनिया को अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे। पुदीना को भी मैं इसी तरह से साफ कर लूँगी, एक एक पत्ती। तो ये हमारा सारा सामान तैयार हो गया है। ये देखिए, पानी के लिए ये प्याज है, ये मैं बाद में काट के डालूंगी मटर में। ये नींबू है, ये मैं पानी में गारूंगी खट्टापन आने के लिए। तो ये सारा मैं मिक्सर जार में डाल के पीस लूंगी, बारीक पेस्ट बना लूंगी इसका। Mic check 1 2. This is movement. सारा सामान मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। मैं इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये मैंने बाउल लिया है, मैं इसमें पानी तैयार करूँगी। तो ये मसाला रेडी हो गया है पानी का, या मैं डाल दूँगी इसमें। मुझे थोड़ा पहले इसको निकाल लेना चाहिए था, मैंने सारा डाल दिया है, पानी डाल दूँगी। मैं थोड़ा निकाल रही हूँ, इसको बाद में डाल के खाएंगे। अगर जिसको ज़्यादा तीखा पसंद है, कम पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं इसको कम तीखा कर रही हूँ। Thank you.
अब मैं पानी डाल दूंगी। ये पानी का मसाला है जो कि मैं इसमें डालूंगी। इसमें सारा सामान मिला हुआ है। हमने सारा मसाला डाल दिया है। अब एक चम्मच की सहायता से इसको चला लेंगे, मिक्स हो जाए। अब इसमें हल्का नमक डालेंगे क्योंकि मसाले में भी नमक रहता है। मैं इसमें नींबू गारूंगी। खट्टा का स्वाद आने के लिए, क्योंकि पानी हमारा खट्टा रहेगा तभी टेस्टी लगेगा। ये प्याज है, मैंने इसको बारीक काट लिया है। तो ये इमली नहीं है इस समय हमारे घर पे, तो हमने ये गुड़ है तो इसका मीठा चटनी बनाया है बच्चों के लिए। तो इसका मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी पानी डाल के। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब एक मैं फ्राई पैन चढ़ाऊंगी गैस पे, उसमें ये चटनी डाल के गाढ़ा करूंगी, इसका टेस्ट अच्छा से आ जाए, जैसे कि मीठी चटनी लगती है। तो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको इतना पकाऊंगी जब ये गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा लगने लगेगा कि हाँ ये चटनी अभी लग रहा है। जब तक मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से, ये देखिए अच्छे से पक रहा है। हमारा मटर रेडी हो चुका है, अच्छे से पक गया है। मैं चेक कर लूँगी। तो ये पानी है, ये मैंने चार दो नींबू काटा हुआ है, इसमें मैं गारूँगी। तो अभी हम इसको छानेंगे छन्नी की सहायता से। पूड़ी के साथ में खाने वाला सारा सामान रेडी हो चुका है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ये बच्चों के लिए मैंने प्लेट सजाया है क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए मीठा और मटर डाल के हमने रेडी कर लिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा।